इतना अफवाह फैला रही थी और इतना फलवा रही थी कि ये बेदी राम का लीक पेपर लीक जो हाथ है, मैं चैलेंज करता हूँ जिस दिन लीक पेपर लीक में मेरा नाम आ जाएगा। और अब तो चार्जशीट है, सीबीआई द्वारा चार्जशीट को दाखिल भी कर दिया गया, आ जाएगा। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं एनडीटीवी पर कहा था। और ये विपक्षियों की साजिश है, विपक्षी पार्टियों की साजिश है, मुझे मतदान करने की साजिश है। मैं एक दलित विधायक हूँ, दलित विधायक होने के नाते मुझे ये विपक्षी पार्टी द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, मेरे नेता को बदनाम किया जा रहा है, एनडीए को बदनाम किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जा रहा है। आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पेपर लिख में मेरा नाम बताया जा रहा था और उन्होंने कह दिया कि बेदी राम तो गिरफ्तार है। मैं क्या गिरफ्तार था? मैं गिरफ्तार नहीं था। उन्होंने कहा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, मैं कहा गिरफ्तार था? अरे हाथ से प्रत बातें तो तब हो गई, मैं एनडीटीवी पर बयान दे रहा था। उन्होंने ये कहा, एक मीडिया ने कहा, मीडिया का नाम मैं नहीं लूंगा, और 12 घंटे उन्होंने चलाया है मेरा। मैं एक दलित विधायक हूँ, दलित विधायक होने के नाते उन्होंने 12 घंटे चलाया। नीट का आरोपी बेदी राम फरार है, फरार है, एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अगर एसटीएफ ने मुझे गिरफ्तार किया था तो मैं एनडीटीवी के सामने बयान कैसे दे रहा था? एनडीटीवी के सामने मैंने बयान दिया कि आप बताइए कितनी हास, देखिए हास्यप्रद बात है, उसको सुनिए आप, सुनिए। मैं दलित विधायक हूँ, दलित विधायक के नाते चाहे जो मीडिया, चाहे जो विपक्षी पार्टियां द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं सबसे यही कहूंगा, दलित विधायक किसी और विधायक के ऊपर क्यों नहीं लोग आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते झूठा? किस राजनीति, आप बताइए किस राजनीति के ऊपर केस नहीं है, झूठे केस लगते हैं? उसी तरह से मेरे सारे केस झूठे हैं और मेरे सारे केस छूट चुके हैं। एक आध बातचीत बाकी रह गया है, विधायक जी अंतिम सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने यह कहा है कि बेदी राम भी हमारे आदमी नहीं है। आप लोगों को मैं कसम तो नहीं धरा सकता, इसको चलाना पड़ेगा और चलाइए। बेदी राम, ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया है कि बेदी राम जी अखिलेश यादव, एक एक आदमी पूछिए, मैं सबका जवाब दूंगा, बेदियों की मैं साथ हूँ। बोलिए, बेदी राम जी जो है अखिलेश यादव के आदमी है, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, उनके बयान को लेकर क्या आप कहेंगे? वो सही कहे हैं, जिस समय टिकट दिया जा रहा था उस समय समाजवादी पार्टी के माननीय है, एक है वो उदयवीर सिंह के सामने ले जाया गया। उन्होंने जिसको कहा टिकट देने के लिए, मुझे भी टिकट देने के लिए कहा गया, किनको टिकट दीजिए, उदयवीर सिंह के कहने पर दिया गया है, तब माननीय नेताजी ने दिया है। और यही नहीं एक हमारे राय साहब पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और उनके लिए भी जगदीश राय जी हैं, उनके लिए भी माननीय राष्ट्रीय पार्टी के वो जो है उदयवीर सिंह ने दिलाया था। आप और या बास हैं उनको भी, और दूध राम जी हैं उनको भी, हंसू राम जी हैं उनको भी, सबको टिकट दिलाने का काम किए हैं उदयवीर और समाजवादी पार्टी के। और क्या उदयवीर माननीय उदयवीर जी माननीय किसी का नाम नहीं लूंगा, समाजवादी पार्टी से पूछ कर ही सबको टिकट दिए होंगे। तो क्या इसमें